बदन पे सितारे लपेटे हुए उज्जैन तमन्ना किधर जा रही हो। जैसे सुपरहिट गाने पर झूमने वाले और फिल्मों में डांस की शुरुआत शम्मी कपूर को भला कौन भूल सकता है। 50 के दशक में सिल्वर स्क्रीन पर शम्मी कपूर के स्टारडम से जलवा था और इस दौर में ही शम्मी कपूर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। शम्मी कपूर को गुजरे लगभग 6 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी शम्मी कपूर के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे राज हैं जो किसी को पता नहीं है। तो चलिए हम आपको बताते हैं शम्मी कपूर और उनकी दूसरी शादी से जुड़े शर्त के बारे में। शम्मी बचपन से ही आशिक मिजाज थे, लड़कियों को इम्प्रेस करने के कई ट्रिक्स जानते थे। यूं तो शम्मी कपूर की जिंदगी में कई लड़कियां आई, पर शम्मी कपूर का दिल उसी जमाने की मशहूर अदाकारा गीता बाली पर आया था। फिल्म रंगीन रातें के दौरान शम्मी गीता बाली के करीब आए और दोनों ने शादी कर ली। शम्मी की शादी काफी फिल्मी थी। दोनों ने मंदिर में सुबह 4 बजे जाकर चुपके चुपके शादी की थी। शम्मी कपूर ने अपनी शादी की बात फैमिली को बताई तो सभी नाराज हुए और उनसे बातचीत करना बंद कर दिया था। हालांकि कुछ समय बाद सब ठीक हो गया था। शादी के बाद बेटा आदित्य राज कपूर और बेटी कंचन का जन्म हुआ, लेकिन शम्मी के जीवन में एक दौर वो आया जब उन्होंने चेचक की वजह से अपनी पत्नी गीता बाली को हमेशा के लिए खो दिया। उनकी मौत से शम्मी को गहरा झटका लगा और उन्होंने अपने आप पर ध्यान देना भी बंद कर दिया। इसी की वजह से उनका वजन बहुत बढ़ गया और बतौर हीरो उनके करियर में भी काफी असर होने लगा। वहीं 1968 में आई फिल्म ब्रह्मचारी की शूटिंग के दौरान उनका नाम मुमताज से जुड़ा, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चला। शम्मी ने मुमताज के आगे शर्त रखी थी कि वो शादी के बाद अपना फिल्म करियर छोड़ दे, जिसकी वजह से मुमताज ने शम्मी से शादी करने के लिए मना कर दिया। एक तरफ शम्मी के बच्चे छोटे थे तो वहीं दूसरी तरफ घर वालों ने शम्मी पर दूसरी शादी का दबाव बनाना शुरू कर दिया। शम्मी बहुत मुश्किल से राजी हुए। गीता की मृत्यु के 4 साल बाद 1969 में उन्होंने भावनगर की रॉयल फैमिली की नीला देवी से शादी की, लेकिन उन्होंने दूसरी शादी करने से पहले नीला देवी के सामने एक शर्त रखी थी। इस शर्त को सुनकर सभी चौंक गए थे। शम्मी ने नीला के सामने शर्त रखी थी कि वो माँ नहीं बनेंगी, उन्हें गीता के बच्चों को ही पालना होगा। नीला देवी मान गई, वो ताउम्र अपने बच्चों की माँ नहीं बनी और गीता के बच्चों को ही अपना माना। बात अगर फिल्मों की करे तो शम्मी कपूर ने 17 साल की उम्र में फिल्म जीवन ज्योति से अभिनय सफर शुरू किया था। उन्होंने हम सब चोर है, उजाला, एन इवनिंग इन पेरिस, प्रिंस, सच्चाई, अंदाज, पगला कहीं का सहित कई फिल्मों में काम किया था। और शम्मी कपूर की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि गाना बजते ही शम्मी झूमने लगते थे, उन्हें किसी कोरियोग्राफर की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए NMF न्यूज़।